नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन समीक्षा के एक और नए लाइव एपिसोड में। यह देश दक्षिण पूर्व दिशा में 18 योजन की दूरी पर स्थित है। किसी स्थान से श्री बुद्ध देव त्रयस त्रिवंश स्वर्ग गए थे। अब देख लो भैया, त्रयस त्रिशंस स्वर्ग गए थे। अब पता नहीं नवबौद्धों को, इन रेशनल पूतों को हमारे यहाँ के स्वर्ग में कौन सी एलर्जी है, हमारे मतलब ब्राह्मणवादी स्वर्ग में कौन सा इनका काम हो नहीं पाता है या इनको एलर्जी हो जाती है कि ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का स्वर्ग फलाना ढिमका, ये सब पाखंड है, ये सब ये है वो है। और जबकि आप इसी हिस्ट्री में देख चुके हैं कि इनके बोधिसत्व, इनके बुद्ध, ये खुद ही बार बार स्वर्ग में आ रहे हैं जा रहे हैं। गौतम बुद्ध जी का तो एक फ्लैट ही बुक है स्वर्ग में। अब ये देख लीजिए, साफ लिखा हुआ है कि बुद्ध देव त्रयस त्रिशंस स्वर्ग को गए थे। अब वहां उन्होंने अपनी माता को ज्ञानोपदेश दिया था। जब उनके आने में देर हुई तो महामोगलायन स्वर्ग स्वयं स्वर्ग में गए और श्री बुद्ध देव से प्रार्थना की कि संसार में आपके भक्त सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु आप चलिए। तो बुद्ध देव ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं एक सप्ताह के बाद जम्बुद्वीप में आऊंगा। मोगलायन ने फिर आकर यह समाचार उन लोगों को सुनाया जो श्री बुद्ध देव को संसार में न पाकर व्याकुल हो रहे थे। देख रहे हैं ना विज्ञान आप लोग, यह फाहियान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो फाहियान जी ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बुद्ध देव जो है वो अपनी मरी हुई अम्मा को स्वर्ग में उपदेश देने गए थे। कौन से? तो त्रयांश। और वहां उपदेश देने गए थे। जब उनके आने में लेट होने लगा तो उनका एक चेला था महामोगलायन। अभी चेलवा भी पहुंच गया कि साहब आप तो टाइम से आ नहीं रहे, आप चलिए, लोग आपके बिना व्याकुल हैं, धरती आपके बिना उजाड़ हो गई है, संसार आपके बिना, हवा पानी बिना विहीन हो गया है, प्रभु आप चलिए। बहुत विनती किया मोगलायन। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ऐसा है, ठीक है तुम चलो और मैं अभी एक सप्ताह और रहूंगा और मैं जब आऊंगा तो जम्बूद्वीप में आऊंगा। फिर मोगलायन आता है सिरे से और मोगलायन आकर के यह समाचार लोगों को सुनाता है, बुद्ध देव उस संसार में ना पाकुल जो व्याकुल हो रहे थे। अब भैया आप लोग खुद सोचो ये कितनी बड़ी गप है, ये कितने झूठे होते होंगे यार, ये लोग कितने फेकू होते होंगे, इनके मतलब फेंकने का तो हद है। ये पाखंडी लोग, ये धूर्त लोग, हमें कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो पाखंडी होते हैं, हिंदू लोग जो हैं वो ढोंग पाखंड फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, मूल निवासियों का शोषण करते हैं, यहाँ के ओबीसी दलित एससी एसटी भाइयों का ब्रेन वॉश करते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं। तो भैया ये क्या हो रहा है? आपके बाप दादा तो डायरेक्ट स्वर्ग में आना जाना लगा रहता था भाई, जैसे समझो कि भारत से बैठ के अमेरिका जा रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि स्वर्ग चले भी गए थे। ये बताओ बुद्ध जी तो मान लो उनके पास तो वो खीर खाने से उनको ज्ञान हो गया था, तो उनके पास अथाह शक्ति थी, तो वो तो चलो मान लिया हम स्वर्ग चले गए थे। ये मोगलायन कैसे पहुंचा था? वो गए पीछे पीछे यो लग गया, लेट हुआ तो ये फौरन पहुंच गया, कहने बुलाने के लिए बुलावा लेने के लिए, सर चलो सर लेट हो रहा है, लोग खोज रहे हैं आपको। भाई ये क्या है, क्या है ये? अगर कोई नवबौद्ध ये स्ट्रीम देख रहा है तो वो मुझे बताए कि ये क्या है, कौन सा साइंस है? क्या तुम लोग यही साइंस तुम्हारे बच्चों में नहीं आज जा पा रहा है, नहीं घुस पा रहा है, तो तुम लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हो, तुम लोग हिंदू धर्म का विरोध करते हो इसीलिए? क्योंकि तुम लोगों का ये जो फर्जी फेकू साइंस है, ये साइंस आज की तारीख में कोई भाव ही नहीं दे रहा, काय को भाव देगा बताओ भाई। एक तरफ तो गौतम बुद्ध जी जो हैं वो आत्मा स्वर्ग नरक ईश्वर मानते नहीं थे, दूसरी तरफ डायरेक्ट स्वर्ग जा रहे हैं, चेलो भी पीछे पीछे स्वर्ग जा रहे हैं, वो भी जिंदा। भाई ये क्या है? और एक साथी पूछ रहे हैं मोगलायन कौन था, तो मोगलायन गौतम बुद्ध जी का एक ब्राह्मण शिष्य था, गौतम बुद्ध का एक ब्राह्मण समुदाय का एक शिष्य था। अब देखो ना, गौतम बुद्ध जी ने जो टैलेंट अपने अंदर रखा था वही टैलेंट अपने ब्राह्मण चेलों को भी दिया था। मोगलायन के अलावा, यानी कि उनका जो ब्राह्मण शिष्य था उसके अलावा बाकी और कोई स्वर्ग नहीं जा सकता था।
लेकिन गौतम बुद्ध जी ने मोगलायन के अंदर अपने बराबर की ताकत भरी थी, ब्राह्मणों का बहुत फेवर किया करते थे गौतम बुद्ध। मतलब बताइए, स्वर्ग आने जाने का अगर वो जुगाड़ अगर गौतम बुद्ध जी ने अगर किसी मूल निवासी को किया होता, हमारे जैसे ओबीसी को कर दिया होता, तो हम ओबीसी लोग वाले लोग भी पहले से ही स्वर्ग आए जाए रहते, तो हमको समझ में आता ना कि ब्राह्मणों का विरोध नहीं करना है क्योंकि स्वर्ग होता है। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने हम लोगों के साथ धोखा किया, खुद स्वर्ग गए, एक ब्राह्मण मोगलायन को स्वर्ग जाने की विद्या दे दी, और पता नहीं हम ओबीसी और हम शूद्रों से क्या उनको एलर्जी थी कि हम लोगों को कुछ सिखाया ही नहीं कि हम लोग भी स्वर्ग जा सके। अब अगर हम स्वर्ग नहीं गए तो इसलिए हम विरोध करते हैं, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। हाँ, ब्राह्मणों का रिजर्वेशन था, ये बात आपने सही कहा, स्वर्ग में बहुत तगड़ा रिजर्वेशन है इन लोगों का। और गौतम बुद्ध जी तो स्वर्ग में उनका प्लॉट था, ये देखिए ना, ये साफ साफ लिखा है कि उन्होंने अपनी माता को ज्ञान उपदेश दिया था, कहाँ स्वर्ग जाके, त्रिशंस स्वर्ग में गए थे। आगे का पढ़ते हैं, इसी अवसर पर भिक्षुड़ी उपला के हृदय में यह उत्कंठ इच्छा हुई कि मैं भी श्री बुद्ध देव का स्वागत सबसे पहले करूं। स्त्री होने के कारण वह पहले दर्शन न कर सकी। देख लीजिए, साफ लिखा है कि स्त्री होने के नाते वह पहले दर्शन न कर सकी, परंतु जब श्री बुद्ध देव स्वर्ग से आए तब एकाएक यह स्त्री महाचक्रवर्ती राजा के रूप में परिणित हो गई और उसने बुद्ध देव का प्रथम सत्कार किया। हरे गपाष्टक, बाबा रे बाबा, सीधे जेंडर बदल गया, मतलब स्त्री थी तो गौतम बुद्ध का दर्शन नहीं कर सकती थी। अब आप लोगों को जो मैं बार बार कहता हूं ना कि इन बौद्धों के यहाँ स्त्रियों को हमेशा द्वयम दर्जे का समझा जाता है, रत्ती भर भी महत्व नहीं दिया जाता, ये बात उस चीज को चरितार्थ कर रही है। उनके ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्त्री जो है वो बुद्ध ब्रह्मा मार नहीं बन, बुद्ध न बुद्ध हो सकती है, ना बोधिसत्व हो सकती है, और ना ही ब्रह्मा बन सकती है, ना ही चक्रवर्ती राजा बन सकती है अगर स्त्री है तो। अगर उसको ये सारे पद चाहिए तो उसको पुरुष के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, ये बात साफ साफ चरितार्थ हो रही है कि ये एक स्त्री थी, ये स्त्री जो है उत्पला नाम की ये जो स्त्री है, ये चाहती थी कि जब गौतम बुद्ध जी वो अपने फर्जी स्वर्ग से उतरें तो उनकी उनका सेवा सत्कार मैं करूँ। लेकिन यहाँ साफ लिखा है स्त्री होने के कारण वो पहले दर्शन नहीं कर सकती थी, लिखा है कि स्त्री होने के कारण वो पहले दर्शन नहीं कर सकती थी। बुद्ध का दर्शन करने के लिए उस समय मर्दों को विशेष आरक्षण था, उस समय के मर्दों को विशेष आरक्षण था। और ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में भेदभाव है, ये कहते हैं, ये रेशनल पूत कहते हैं कि हिंदुओं ने इस देश में भेदभाव, छुआछूत, फलाना ढिमका, स्त्रियों का शोषण फैलाया। जबकि इनके यहाँ देख लीजिए भाई, बुद्ध भी तो किसी औरत से ही पैदा हुए होंगे ना, लेकिन देखिए साफ साफ लिख रखा है कि स्त्री होने के नाते एक स्त्री जो है वो गौतम बुद्ध का प्रथम दर्शन नहीं कर सकती थी। जबकि वहीं अगर हम महाभारत की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है, चाहे आप किसी पाप योनि से हो, चाहे आप शूद्र हो, स्त्री हो, किसी भी वर्ण के हो, कुछ भी हो, अगर आप मेरी शरण में आते हो तो मैं आपको मोक्ष दूंगा, मैं आपको मुक्ति दूंगा। और ये देखिए, ये स्त्रियों को प्रथम दर्शन का अधिकार ना देने वाले, ये भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करने चलते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काल्पनिक है और हमारे पिताजी के पास आधार कार्ड था, इनका आधार कार्ड बना हुआ था। ये ढोंगे लोग, देख लीजिए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि स्त्री होने के नाते उसको बुद्ध के प्रथम दर्शन करने का अधिकार नहीं मिला, उसके बाद से फर्जी तरीके से, परंतु जब श्री बुद्ध देव स्वर्ग से आए तब एकाएक यह स्त्री जो है वो महाचक्रवर्ती राजा के रूप में परिणित हो गई। मतलब राजा कैसे बन जाएगी भाई स्त्री, उसका लिंग उंग सब बदल जाएगा क्या? देख रहे ना फेकमबाजी इन लोगों की, लोगों ने उस समय भी सवाल किया होगा, इस चीज को नकारा होगा कि भाई कहां स्त्री नहीं कर सकती, तो इन लोगों ने गप हाँक दी, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो चक्रवर्ती राजा हो गई, हो गया दर्शन, पंडित हो गया और बुद्ध देव का प्रथम सत्कार भी कर लिया। फेको लॉजी भैया कहीं छूट नहीं सकती इनकी, अव्वल दर्जे के थे, पाखंडी उस जमाने में भी थे, और वही पाखंडी उन्हीं धूर्तों के बच्चे आजकल रेशनल बनने का ढोंग कर रहे हैं, आजकल घूम घूम के जातिवाद मिटा रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, उन्हीं ढोंगियों की ये बच्चे हैं जो आजकल YouTube पर देख रहे हैं ना, जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उन्हीं ढोंगियों के बच्चे, उन्हीं पाखंडियों के बच्चे हैं ये।
जो आजकल रेशनल बने हुए घूम रहे हैं। कभी इन रेशनल पूतों ने अपने बाप दादाओं से ये नहीं पूछा कि भैया ये क्या है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बुक जो है, ये बुक ना किसी ब्राह्मण ने लिखी है, ना किसी मनुवादी ने लिखी है, ये बुक लिखी है इन्हीं के बाहरी, यानी कि इन्हीं के जो चाइनीज ट्रेवलर थे जिनके ऊपर ये बहुत कूदते हैं, फायान जी, वेंसांग जी, सिंह जी, फलाने जी, चिलाने जी। आज तो हम इनके चाइनीज रिश्तेदारों की बुक से हम ये रेफरेंस दिखा रहे हैं ना। देखिए क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है, एक एक पोल खुल रही है इनकी। आज तक हम जो जो चीज़ें इनके ऊपर बताते थे कि इनके यहाँ स्त्रियों को दोयम दर्जे का समझा जाता है, स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं फायान के यात्रा विवरणों में स्पष्ट हो रहा है। ये किस किस तरह से लैंड जिहाद करते थे, जगहों को हड़पने के लिए फर्जी कहानी गढ़ के वहाँ पर अपना मंदिर, अपना स्तूप खड़ा कर देते थे, सब कुछ है इसी बुक में। कल हमने बताया है जो लोग बच गए हैं, वो जो नए हैं वो जाएं, तो वो आराम से जा करके और इस हमारा जो इसके क्या नाम है, प्रीवियस जो स्ट्रीम है हमारी, आप उसको देख सकते हैं। आगे है, श्री बुद्ध देव के साथ मृत्यु लोक में ब्रह्मादि लोकों में देवतागण भी आए थे। देख लीजिए भैया, ब्रह्मादि लोक भी सब आ गया। कहते हैं कि बुद्ध देव ने बहुमूल्य द्रव्यों से सम्मानित सप्तरत्न जटित सीढ़ी से उतरे थे, देवगण चांदी की सीढ़ी से नीचे आए थे। अब देख लो भाई, देख रहे ना आप लोग, पढ़ लीजिए। बुद्ध देव के साथ मृत्यु लोक में ब्रह्मादि लोकों के देवतागण भी आए थे। कहते हैं कि बुद्ध देव बहुमूल्य द्रव्यों से सम्मानित सप्त रत्न जड़ित सीढ़ी से उतरे थे और देवतागण चांदी की सीढ़ी से नीचे उतरे थे। ये देखिए भौकाल। अब जब स्वर्ग से गौतम बुद्ध वापस चले, नीचे जब आए, तो सोने और चांदियों की सीढ़ी से वो नीचे आए और क्या नाम है, और गौतम बुद्ध को सीढ़ी लगा के उतारा गया था। और संकिसा जो इन बौद्धों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है संकिसा, ये संकिसा इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि गौतम बुद्ध जी जो है वो स्वर्ग से अपनी अम्मा को उपदेश देके यही सोने और चांदी की सीढ़ियों से नीचे उतरे थे। अब इसमें एक और गपाष्टक देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि बुद्ध देव नीचे आते ही सब सीढ़ियां एकाएक गायब हो गई, केवल एक सीढ़ी सात पद वाला भाग पृथ्वी पर रह गया। क्या रह गया? केवल एक सीढ़ी का सात पद वाला भाग पृथ्वी पर रह गया। महाराज अशोक ने अपने राज्य काल में उसे खुदवाना चाहा, परंतु उसे उन सीढ़ियों का सिरा ना मिला। देख रहे का पास्टर, इस घटना से श्रद्धालु अशोक की श्रद्धा और भी बढ़ी, मतलब इस घटना से श्रद्धालु अशोक की श्रद्धा और भी बढ़ गई। भैया हम सीढ़ी तो खोज रहे हैं, अब सीढ़ी तो थी ही नहीं कोई, भाई कोई सीढ़ी स्वर्ग से लग सकती है? रावण जैसा व्यक्ति स्वर्ग में सीढ़ी नहीं बना सका, ये कहां से सीढ़ी स्वर्ग में उगा लिए? रावण काल्पनिक हो गया, रावण तो फिलहाल इन्हीं का अब्बा था, ये लोग खुद कहते हैं रावण तो मूल निवासी था। तो रावण मूल निवासी था तो वो भी तो स्वर्ग में सीढ़ी बनाना चाहता था, बनाया गया नहीं बना पाया। भैया ये कैसे बना दिए? स्वर्ग भी नहीं होता, नर्क भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, देवता होता कुछ होते नहीं है, भगवान भगवान कुछ होता नहीं। और ये तो हरे बुद्ध जी का गजब का ही स्टाइल है भाई, स्वर्ग में मम्मी को उपदेश भी दे रहे हैं, फिर स्वर्ग में सीढ़ी से सोने और चांदी की सीढ़ी से उतर भी रहे हैं, सीढ़ी गायब भी हो रही है, फिर सात पद वाला सीढ़ी का भाग पृथ्वी पर रह भी जाता है, फिर उसे अशोक जब खुदवाना चाहता है मगर उसको वो सीढ़ी का सिरा ही नहीं मिलता, इससे अशोक की श्रद्धा भी खूब बढ़ जाती है। भाई क्या है, कौन सा नाटक चल रहा है? अब आप देखिए कि अशोक ने वहाँ पे क्या किया कि छह हाथ ऊंची एक मध्य सीढ़ी के ऊपर स्थित है, बिहार के पास ही पीछे पत्थर का एक स्तंभ बनवाया जो 50 हाथ लंबा है। इसके शिखर पर सिंह की एक मूर्ति है। एक समय ने भिन्न धर्मियों के साथ इस स्थान के विषय में विवाद उपस्थित हो गया, परंतु जब इस विषय का निपटारा ना हो सका तब दोनों पक्ष वाले ने कसम खाई कि यदि स्थान श्रमण लोगों का हो तो कोई चमत्कारिक घटना होनी चाहिए। अब देखिए, अब होता क्या है कि उस जगह को लेकर के दो पक्षों में, दो गुटों में विवाद होता है कि ये जगह मेरा है, ये जगह मेरा है। अब होता क्या है कि भैया अब ये जगह किसी का अगर है तो उसको कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो प्रूफ करने का शर्त ये रखा गया कि अगर जगह क्या नाम है, अगर श्रमणों की, यानी कि बौद्धों की है, तो यहाँ पे कोई चमत्कारी घटना होनी चाहिए। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि फेंकू उस समय कौन थे, मतलब अगर जगह श्रमणों की है तो श्रमण चमत्कार करे तो साबित हो जाएगा कि है श्रमणों का है।
बल्कि चमत्कार का आरोप हमेशा ब्राह्मणों पर लगता है, उनके धर्म ग्रंथों पर लगता है। लेकिन ब्राह्मणों के परिप्रेक्ष्य में यह बात नहीं लिखी है कि भाई ब्राह्मण तुम्हारी जमीन है तो तुम लोग चमत्कार करके और ले लो, ना। शर्त यह हुई कि अगर ये जगह श्रमणों की है तो कोई चमत्कारी घटना होनी चाहिए। तदंतर इस स्थान पर सिंह बड़े जोर से गर्जा, देख रहे हैं, देखिए चमत्कार विज्ञान देखिए, जो सिंह जो अशोक ने बनवाया था वह सिंह जो है चमत्कार के चक्कर में खूब कस के गर्जा, पत्थर का बना था, मुंह फाड़ लिया उसी में से। इस शब्द को सुनकर विधर्मी डर गए, मतलब ब्राह्मण लोग या अन्य धर्म वाले जो लोग होंगे वो डर गए, भाग लिए, और वे श्रमण लोगों का अधिकार उस विहार को देकर संतुष्ट हो गए। देख रहे हैं ना फेकोलॉजी भैया, इतना गजब का विज्ञान, मतलब पत्थर का शेर भी ये गर्जवा देते थे, तब पत्थर के शेर से बुलवा देते थे, इतने टैलेंटेड लोग थे, इतने यशस्वी लोग थे भाई, देख रहे हैं ना विज्ञान। आज बाल्टी वाल्टी लेके आप लोग बैठे हो कि नहीं ये बताओ पहले, और भाई स्ट्रीम शेयर करो, आज जो चीजें आपको मिलेंगी वो कल की स्ट्रीम में नहीं मिली थी। फेकोलॉजी इस पुस्तक को जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा इनकी फेकोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, इतना फेंका है इन लोगों ने, इतना फेंका है इस किताब में, फायान ने तो फेंकने की हद भाई पूरी कर दी है, और उसी फेकू फायान की किताबों पर ये हीरो बनते हैं। ये कहते हैं यार तुम फायान को नहीं पढ़े हो क्या, तुम्हें अबे पढ़ तो रहे हैं फायान को, देखो तुम लोग की पूरी लंगोट खुल रही है, पढ़ तो रहे हैं, पूरा विज्ञान तुम लोगों का डैमेज हो रहा है भैया। तो अब आप देख लीजिए कितना विज्ञान है, सिर्फ पत्थर का बनाया अशोक ने, और तय ये हुआ कि अगर भाई जमीन अगर बौद्धों की है तो भाई कुछ चमत्कार होना चाहिए, तो शेर को खपाया नहीं, शेर पत्थर का था, सीधे मुंह फाड़ दिया उसी में से, सारे विधर्मी डर के भाग लिए और उस जगह पे बौद्धों का कब्जा हो गया। देख रहे हैं ना कितना भौकाल था जमाने में, उस जमाने में। उसके बाद श्री बुद्ध देव ने 3 मास तक स्वर्ग लोक का अन्न खाया था, देख रहे हो भाई, श्री बुद्ध देव ने 3 मास तक स्वर्ग लोक का अन्न खाया था, इस कारण उनके बदन से सुगंध निकलने लगी थी। अरे बाबा ऐसा कैसे होते रे बाबा, हम ससुरा इतना दिन से खाते पीते हैं, किसी आदमी के बदन से सुगंध नहीं निकलती है खाने की वजह से। यहां देखो स्वर्ग का अन्न खाने से बदन से सुगंध निकलने लगती है, ये पहली बार सुन रहे हैं भैया, चलो हो सकता है इसका कोई साइंटिफिक रीजन होगा। इसको देखकर वे शीघ्र ही स्नान करने चले गए। अब देखो भाई अगर शरीर से सुगंध निकल रही थी तो कोई नहाने कहां जाएगा, है ये बात लॉजिकल लग रही किसी को, अरे लोग नहाने के लिए इसलिए भागते हैं कि बदबू मार रहा हो तो। लेकिन यहां देखो सुगंध निकल रही थी और इसको देखकर वे शीघ्र ही स्नान करने चले गए। जहां उन्होंने स्नान किया वहां एक स्नानागार बनवा दिया गया, वह अभी भी वर्तमान है, उस स्थान पर जहां भिक्षुड़ी उत्पाला ने श्री बुद्ध देव का स्वागत किया था एक स्तूप बना हुआ है। उन स्थानों पर जहां श्री बुद्ध देव अपने सिर के बाल और नाखून कटवाए थे स्तूप बनाए गए हैं। देखो हर बात का स्तूप बनाया गया है। उन स्थानों पर जहां पूर्व काल में 3 बुद्ध यानी कि कुकुशंद, कनक मुनि और कश्यप, यानी कि वो जो 3 बुद्ध से पूर्व के जो 3 बुद्ध थे, कुकुशंद, कनक मुनि और कश्यप और गौतम बुद्ध बैठे थे, जहां वे घूमे थे इत्यादि इत्यादि स्थानों पर स्तूप का निर्माण है। उस स्थान पर जहां सक और ब्रह्मा लोक के अधिष्ठाता इस पृथ्वी पर उतरे थे स्तूप बने हुए हैं। अब देख लीजिए सक माने इंद्र और ब्रह्मा के बारे में तो आपको पता ही है। अब इंद्र और ब्रह्मा भी स्वर्ग से उनको लेकर के उतरे थे, स्वर्ग से लेकर के गौतम बुद्ध को उतरे थे, तो वहां भी इन्होंने ब्रह्मा और इंद्र के लिए विहार बनवाया हुआ है। अब हम एक बात अक्सर आप लोगों ने सुना होगा इन रेशनल पुतों के मुंह से कि ये ब्रह्मा जी को बहुत ही अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उनको कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ मतलब अनैतिक कर्म किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि इंद्र जो था वो भी बहुत अनैतिक देवता था, ये लोग कहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इंद्र जी भी अच्छे देवता नहीं थे, ब्रह्मा जी भी अच्छे देवता नहीं थे, तो फिर जब इंद्र और ब्रह्मा अच्छे देवता नहीं थे तो गौतम बुद्ध जी की मम्मी तो बहुत अच्छी रही होंगी, तो फिर गौतम बुद्ध जी की मम्मी को क्या जरूरत थी मृत्यु के बाद जा करके इंद्र और ब्रह्मा के साथ स्वर्ग में सेटल होने की, क्या ही जरूरत थी भाई।
जब इंद्र जी को जब ये क्या उनको पता नहीं था कि ये ब्रह्मा और इंद्र अच्छे देवता नहीं? अब जब इनको निर्वाण मिला तो ये सीधे से निकल नहीं, वहीं स्वर्ग में जाकर के इंद्र और ब्रह्मा के साथ सेटल हो गई। अब गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान मिला तो ये मम्मी को उपदेश देने स्वर्ग गए उसी इंद्र और ब्रह्मा के पास। क्या गौतम बुद्ध को नहीं पता था कि ये ब्रह्मा और इंद्र जो है ये अच्छे देवता नहीं है? इसको क्या कहा जाएगा? ये रेशनल पूत जो है इंद्र को और ब्रह्मा को गलत देवता बताते हैं, गलत तरीके से प्रचारित करते हैं, गलत आख्यान उनके बारे में बताते हैं, और इनकी अम्माएं जो हैं वो इंद्र और ब्रह्मा के साथ में स्वर्ग में अपना टिकट कटा के बैठी रहती हैं। इनके तथाकथित विद्वान लोग भी स्वर्ग में जाकर के अपने लोगों को ज्ञान देते हैं, उसी स्वर्ग में जिस स्वर्ग में इंद्र और ब्रह्मा रहते हैं, है ना? विरोधाभासी बात, आश्चर्यचकित करती है ना ये बात आपको? इनके आरोप में और इनके इनके लोगों के द्वारा किए गए कार्यों में कितना विरोधाभास है। इंद्र और ब्रह्मा खराब देवता थे, फिर भी इंद्र और ब्रह्मा के साथ इनके गौतम बुद्ध जो है वो स्वर्ग से नीचे उतरते हैं, तो फिर बुद्ध को हम कैसे अच्छा कह दें? अगर इंद्र खराब देवता हैं, ब्रह्मा जी खराब देवता हैं, तो फिर उन्हीं के साथ स्वर्ग में रहने वाली गौतम बुद्ध जी की माता जी या फिर उसी स्वर्ग में जा करके और अपनी माता जी को उपदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी कैसे अच्छे हो गए? भाई ये सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं ना, तो ये सवाल आप लोग भी पूछिएगा। अगर आपको अब अगर कोई ये कहे कि इंद्र ऐसे और ब्रह्मा वैसे, तो ये सवाल जरूर दागना, फिर बुद्ध जी की मम्मी कैसी थी, फिर क्यों गई थी वहां पे गौतम बुद्ध, फिर क्यों गए थे वहां पे? और इसका तो भाई पुरातात्विक सबूत है, ये देख लो, फायान खुद कह रहा है कि भैया गए थे स्वर्ग की सीढ़ी से उतरे थे, सीढ़ी तब भी है, अशोक ने उसको खुदवाने का प्रयास किया था, नहीं खुदवा पाया, फिर वहाँ पे सिंह बनवाया, सिंह जो है पत्थर का बना था, फिर उसमें से मुंह फाड़ के चिल्लाने लगा शेर, सारे लोग भग गए। ये सारे भौकाल इस किताब में है, फायान के यात्रा वृत्तांत में ये सारे भौकाल है। अब आप लोग देखिए, अब चलिए यहाँ हम आपको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ प्राय 1000 भिक्षु और भिक्षुणी रहते हैं। इनकी जीविका का सब प्रबंध साधारण भंडार गृह से होता है। ये अपने अपने संप्रदाय के अनुसार धर्म का पालन करते हैं। इनमें कुछ महायान और कुछ हीनयान पंथ के अनुयायी हैं। इस देश में श्वेत कनकधारी एक दैत्य रहता है। अब देख लीजिए, इस देश में श्वेत कानधारी एक दैत्य रहता है, जिसके कारण देश में खूब वर्षा होती है और खूब अन्न उपजता है। देख लो भैया, देखो भौकाल, हमारे यहाँ अगर बारिश होती है और अन्न उपजता है तो हम इसे दैवीय प्रबंधन मानते हैं, हम इसे दैवीय मतलब मानते हैं कि ये दैवीय प्रक्रिया है। लेकिन इनके यहाँ श्वेत कानधारी एक दैत्य इनके यहाँ बारिश करवाते हैं, जिसके कारण देश में खूब वर्षा होती है और खूब अन्न उपजता है। उसकी यहाँ बड़ी प्रतिष्ठा की जाती है। वह ग्रीष्म ऋतु के बाद अपना रूप बदल लेता है और एक छोटा सा सर्प बन जाता है। केवल उसके कान के पास कुछ छोटे छोटे बिंदु रह जाते हैं। देख रहे ना भौकाल, जैसे लग रहा है कि सबसे मिला था ये फायान फेकू सबसे मिला था। तो जरा सोचिए, उस टाइम का ये जो विदेशी ट्रेवलर था जिसको फायान कहा जाता है, जो ये नौबौद बहुत चिल्लाते हैं कि वो बहुत बहुत पहुंचे हुए लोग थे, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत योग्य लोग थे। मुझे तो इन सबों की मानसिक स्थिति पर ही तरस आता है कि कितने कम दिमाग के लोग थे। मतलब ऐसी भौकाल चीज है जो सुना दिया लोगों ने, जो बता दिया। अगर चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि कोई कहानी प्रचलित थी, कोई चीजें प्रचलित थी, ये फायान बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, और फर्जी फर्जी चीजें अपने किताब में लिख के चला गया। अब ये फर्जी चीज जो है वो ऐसे ही भौकाल जोत करके चाइना गया होगा, तो चाइना में बताया होगा ये सब भौकाल, तो वहां के लोग भी अप्रिशिएट हुए होंगे, अरे हरे गजब, भारत में बहुत गजब ताकत है, हमें भी बौद्धिष्ट हो जाना चाहिए। यही सब भौकाल जोत जोत के उस समय की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया गया, बेवकूफ बनाया गया, यही सब फर्जी अर्जी कहानियां लिख करके और फैला करके। जरा सोचिए कि उस समय के जिनको बुद्धिजीवी आप कहते हैं, जिनको आप बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं, वो ऐसे ऐसे पाखंड फैला रहे थे दुनिया में, कितना फेकू होगा ये फायान, बताइए कैसी चीज लिख के गया है। कह रहा है कि दैत्य की वजह से बारिश होती है। अरे हम चलो ठीक है फायान भाई, चलो मान लिया कि तुमने वही लिखा जो तुमको यहाँ के लोगों ने बताया, तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, तुम तो बौद्ध थे ना, और बौद्धों का तो काम है कि जो चीज तर्क पर सही ठहरती हो उसको मानना,
तो ये सब बातें जितनी भौकाल तुमने अपने किताब में लिखी है वो सारी बातें तुम्हारे तर्क पर कहीं सही ठहर रही थी? जब नहीं ठहर रही थी तो लिखा क्यों? और अगर ठहर रही थी तो तुम काहे का बुद्धिस्ट? तुम तो फेकू हुआ फिर, तुम तो ढोंगी हुआ फिर। और इस किताब को प्रमोट करने वाले, इसमें हिस्ट्री ढूंढने वाले इससे भी बड़े फेकू हैं, जो इसको ऐतिहासिक पुस्तक बताते हैं। अब यही सभी हमारे देश का इतिहास है, देख रहे हैं ना, यही सब हमारे देश का इतिहास है। 2,500-2,500 साल पहले का हमारे देश का इतिहास है ये, फर्जी इतिहास, फेकू इतिहास। हमारे मूल इतिहास को इन्हीं सब फर्जी कबाड़ी इतिहास के चक्कर में हमारे देश के वास्तविक इतिहास को भ्रष्ट किया गया है, नष्ट किया गया है। और ऐसे लोगों को हीरो बनाया गया हमारे देश में, जिनका इतिहास ये था, हड्डी पर बना देना, क्या नाम है, स्वर्ग से सीढ़ी उतार देना, स्वर्ग में पहुंच जाना, मरे हुए लोगों को उपदेश दे देना। हम कह रहे हैं कि मैं ये सवाल पूछता हूं कि इनके जो कहते हैं ना आत्मा नहीं होती है, ईश्वर नहीं होता है, इनके इस झूठ का पर्दाफाश है ये वाक्या कि जब आत्मा नहीं होती तो फिर गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनका बचा क्या था कि गौतम बुद्ध उनको स्वर्ग में उपदेश देने गए थे? क्या गौतम बुद्ध की मां मरी नहीं थी? वो सशरीर स्वर्ग चली गई थी? और अगर उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका अगर उनका अंत्येष्ट संस्कार उनका कर दिया गया था और आत्मा वगैरह कुछ होता नहीं, तो बचा क्या था गौतम बुद्ध की मम्मी का कि जिसको वो उपदेश देने स्वर्ग में गए थे? ये सवाल कौन पूछेगा? कब पूछेंगे आप लोग ये सवाल? कौन नौबत इसका जवाब देगा? इतने झूठे लोग हैं ये, इतने फेकू लोग हैं ये कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसे लोग हिंदुओं पर सवाल करते हैं, कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ये, हिंदू धर्म ग्रंथों में वो। अबे भाई, तुम्हारे में क्या है? तुम्हारे में तो वो है जिसको तुम नकारते हो और फिर उसी को फिर लेके हुलेला करते हो तुम लोग। तुम तो कहते हो भैया ये चीज नहीं होती और फिर वही चीज तुम्हारे यहां होती भी है। स्वर्ग नहीं होता, आत्मा नहीं होती, लेकिन दोनों ही चीजों का बुद्ध से संबंध है। स्वर्ग में आत्मा नहीं होती, लेकिन पता नहीं बुद्ध जी कौन सी चीज को, किसको मम्मी मान करके स्वर्ग में उपदेश देने गए थे भाई? जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, अंत्येष्टि संस्कार हो गया, तो बचा क्या था कि जिसको उपदेश देने स्वर्ग गए थे? इसका जवाब कौन देगा? किससे पूछा जाना चाहिए ये सवाल? दर्शकों, इस पर आप लोग अपना मनन करिए, इस पर आप लोग चिंतन कीजिए, ये क्या है, कितना भौकाली लोग है ये लोग। और अगर कोई नवबौद्ध अगर मिल जाए ना, तो उससे ये जरूर पूछिए। कोई रेशनल व्यक्ति मिल जाए, तो जो अपने आप को रेशनल बन रहा है यूट्यूब पर बैठ के, उससे ये जरूर पूछिए, भाई ये क्या है भाई? और जब तुम्हारे यहाँ ये सब हो रहा था, तुम्हारे यहाँ ये सब चल रहा था, और जब तुम्हारे यहाँ ये सब चल रहा था, जब हम इसका जिक्र करते हैं तो तुम कहते हो कि हम ये सब नहीं मानते, तो हम भी तो ये चीज कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह की चीजें, जो जब तुम्हारे यहाँ मूर्ख लोग हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। जब तुम्हारे यहाँ ऐसे फेकू लोग हो सकते हैं, तो फेकू लोगों से धरती थोड़ी खाली है, हर जगह हो सकते हैं। तो फेकू लोगों की चीजों को तुम लोग एक्सप्लेन करते रहते हो, ये देखो हिंदुओं की किताबों में ये वो ऐसे वैसे, तुम्हारे में क्या है भैया? तुम्हारे में क्या है? कौन सा साइंस है? किधर से बाल्टी लगाया? हमारी तो 4-5 बाल्टी भर गई आज ही। कोई आएगा रेशनल का बच्चा जिसको मैं पिलाऊं ये बाल्टी का विज्ञान? आओ भाई, अगर कोई हो तो पैनल में, या हमारे स्ट्रीम में कोई हो तो भाई बताओ, हमारे साथियों कोई है क्या विज्ञान का बच्चा इधर, रैशनल बच्चा कोई है? कमेंट सेक्शन में पकड़ो उसको और पकड़ के भेजो स्ट्रीम में, आज उसको विज्ञान दिखाता हूं मैं, बुद्धिज्म का पूरा विज्ञान दिखाएंगे। तो ये चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। आप लोग ये कुछ चिंतन कीजिए कि ये कितना ज्यादा ये लोग झूठ बोलते थे, इनके सारे व्याख्यान, इनके सारे तथ्य जो है वो फर्जी साबित हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनका एक मत कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, तो फिर गौतम बुद्ध जी की माता की मृत्यु के बाद ऐसा क्या बचा था जिसको वो स्वर्ग में उपदेश देने गए थे? क्या उनकी आत्मा उनकी मम्मी की आत्मा थी और गौतम बुद्ध की आत्मा नहीं थी? ऐसा था क्या भाई? कौन पूछेगा ये सवाल? हमारे हिंदुओं को क्यों नहीं पूछना चाहिए? ये जो विज्ञान की डींगे हाँकते हैं, ये जो वैज्ञानिक बनते हैं 24 आवर्स, ऐसे लोगों का विज्ञान कहाँ जाता है? क्या होता है ये?